दोस्तों जय हिंद। उत्तर प्रदेश का अयोध्या, जिसे हम पहले फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कहा करते थे, उसे तो आप बखूबी जानते होंगे। वहां से छात्रों के लिए बड़ी ही निराशाजनक एक खबर आई। इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर जब आप नजर डालेंगे दिल्ली से छपने वाले आज के इंडियन एक्सप्रेस पर, तो आपको एक हेडलाइन दिखाई देगी। और उस खबर में आपको क्या देखने को मिलेगा, उसकी जो हेडलाइन है मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूं। इन यूपी कॉलेज स्टूडेंट बुक फॉर सेडिशन, प्रिंसिपल सिटीज आजादी स्लोगन। इस खबर में यह है, यह बताया गया है कि वहां के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया, और वो भी वहां के चुनाव आयोजित कराने के जो छात्र संघ चुनाव। लेकिन कॉलेज प्रशासन जो है, कॉलेज इंतजामिया जो है, उसने इनके ऊपर FIR दर्ज करा दी और आरोप लगाया कि इन लोगों ने आजादी स्लोगन लगाया है। वही आजादी स्लोगन जो JNU में लगाया गया था, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। उसको बड़ा ही विवादित नारा बोला जाता है, क्योंकि इसमें आजादी की मांग की गई, हम लेके रहेंगे आजादी, हमें चाहिए आजादी। तो इस नारे की वजह से छात्रों के ऊपर सेडिशन का चार्ज लगा है। अब ये राजद्रोह का जो चार्ज लगा है सेडिशन का, इस मामले में है क्या? और ये बड़ी ही निराशाजनक खबर इसलिए भी है क्योंकि जब छात्रों के ऊपर मुकदमों का बोझ डाल दिया जाए, उनके ऊपर मुकदमों का बोझ लाद दिया जाए, तो फिर आप उनके भविष्य के बारे में क्या सोचते? उनका भविष्य तो बिल्कुल अंधकार में चला जाएगा अगर इस तरह की इस मुकदमे लादे जाती है उनके ऊपर, तो पढ़ाई लिखाई कैसे करेंगे, वो अपने फ्यूचर के बारे में कैसे सोचेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। और इस खबर के बारे में हम अंदर से आपको व्याख्या करके पूरा बताते हैं कि आखिर मामला है क्या। मैं चूंकि इसको ट्रांसलेट करके बता रहा हूं, अब जितना संभव है मैं उसे ट्रांसलेट करके आपको मैं पूरी तरह से मामला बता देता हूं। बात दरअसल यह है कि अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में सरकार द्वारा संचालित एक कॉलेज है जिसका नाम है KS साकेत डिग्री कॉलेज, और यहाँ के 6 छात्रों के ऊपर देशद्रोह राजद्रोह का मुकदमा जो है दर्ज किया गया, सेडिशन का। मैं देशद्रोह राजद्रोह का नहीं बल्कि सेडिशन का ही मुकदमा सीधे तौर पर बोलना चाहूंगा। जिसके बाद कॉलेज के प्राचार्य ने राष्ट्र विरोधी नारे लगाने का जो है आरोप लगाया है उनके ऊपर, जो वहां के प्रिंसिपल हैं उन्होंने सीधे तौर पर नारा लगाने का आरोप लगाया है। और जो प्रधानाचार्य हैं, जो प्रिंसिपल हैं वहां के, उन्होंने कहा है कि अभद्र और राष्ट्र विरोधी नारे लगाए जा रहे थे, और वो भी 16 दिसंबर को। और इस मामले में चूंकि राम जन्मभूमि जो ट्रस्ट है वो काफ़ी नज़दीक है, विवादित जो भूमि है वहां से काफ़ी नज़दीक है, तो इस तमाम तरह से उधर जोड़ने की कोशिश की गई है कि भाई किस तरह से जो है इस मामले को एक सांप्रदायिक रंग देने की, बल्कि इसमें एक झलक नज़र आ रही है जिस तरह से पूरी खबर को हम लोगों ने पढ़ा। और इसमें हम ये भी देख रहे हैं कि सीधे तौर पर जवाहरलाल नेहरू का नाम इसमें लाया गया, जो यूनिवर्सिटी है JNU उसका नाम इसमें, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का नाम इसमें घुसाने की कोशिश की गई। अब छात्रों का ये कहना है कि भाई हमने तो छात्र संघ चुनाव की मांग कर रहे थे कि भाई छात्र संघ चुनाव जो कि पिछले साल नहीं हो पाए, और ऊपर से जिस तरह से बाबरी मस्जिद विवाद वहां पे चल रहा था, राम जन्मभूमि विवाद, उसको देखते हुए बड़ा संवेदनशील मसला था, इसलिए हम लोगों ने डिमांड नहीं की। लेकिन अब चूंकि हर देश के कॉलेजेस खुलने लगे हैं, क्लासेस चल रहे हैं, इलेक्शंस हो रहे हैं पूरे देश में, कई इलेक्शंस भी हमने देख लिए इसी कोविड के दौर में, तो फिर आपने इलेक्शन को रद्द क्यों कर दिया? अब इसको लेकर छात्रों का एक गुट ने जो है विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, और विरोध प्रदर्शन करने के दौरान जो है उन्होंने इस तरह के नारे लगाए। तो इनका ये कहना है कि भाई हमने जो नारे लगाए आज़ादी के लिए नहीं, कि हमें इससे चाहिए आज़ादी, उससे चाहिए आज़ादी, इसके लिए हमने नारे नहीं लगाए, बल्कि नारे जो हमने लगाए हैं वो प्रिंसिपल और चीफ प्रॉक्टर के खिलाफ नारे लगाए। तो जाहिर सी बात है जिस तरह से चीफ प्रॉक्टर के ऊपर उन लोगों ने नारे लगाए, तो भाई हो सकता है उन लोगों को बुरा लगा। अब इस कॉलेज का हिस्ट्री ये है कि 1991 में शुरू हुआ था, 1991 में, और ये जो साकेत कॉलेज है इसमें तकरीबन 10,000 के करीब में जो स्टूडेंट यहाँ पे अभी पढ़ रहे हैं, इसमें 10,000 छात्रों की संख्या है। अब 18 दिसंबर को जो FIR दर्ज कराई गई, बाकायदा जो FIR दर्ज कराई गई उसमें ये आरोप लगाया जा रहा है कि 18 दिसंबर को सुमित तिवारी, शीश नारायण पांडे, इमरान हाशमी, नोट करिएगा, इमरान हाशमी, सात्विक पांडे, मोहित यादव और मनोज मिश्रा के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई, और इसमें आपराधिक धमकी का मतलब ये क्राइम हम करेंगे इस तरह की, चूंकि इसमें मामला बनता है। अब इसमें यह आरोप लगाया गया है कि चूंकि इन स्टूडेंट ने जो है सरकारी कर्मचारियों के काम में जो है बाधा डालने की कोशिश की। अब इस मामले में अयोध्या पुलिस स्टेशन के जो इंस्पेक्टर हैं उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा है कि वो इस मामले की जाँच कर रहे हैं, और जाँच के दौरान सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, हम CCTV फुटेज और वीडियोज वगैरह की सब स्कैनिंग कर रहे हैं, जाँच कर रहे हैं, अगर कोई क्राइम हुआ है तो कार्रवाई की जाएगी इस मामले में। अब प्रिंसिपल ने अपने शिकायत में क्या कहा है, प्रिंसिपल ने अपने शिकायत में ये कहा है, कंप्लेंट में अपने, कि भाई एडमिशन प्रोसेस चल रहे थे 7 दिसंबर से कॉलेज में जो है वो क्लासेस भी चलने लगे,
इस दौरान कुछ बाहरी लोग, कुछ आउटसाइडर जो बाहरी लोग हैं, सोशल इन सोशल एलिमेंट जो हैं, असामाजिक तत्व और जो तथाकथित नेता हैं, इन लोगों ने छात्रों के चुनाव की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इन्होंने 16 दिसंबर को इन छात्रों ने कॉलेज में प्रवेश और मुख्य द्वार पर जो है ताला लगा दिया, यानी कि जो इनका मेन गेट है उस पर ताला लगा दिया 16 दिसंबर को, और कॉलेज प्रशासन के साथ जो एम्प्लॉयज हैं उनके उनके साथ बदतमीजी की, जो है वहाँ के कुछ स्टूडेंट्स से भी इन लोगों ने बदतमीजी की, टीचर्स के साथ भी इन्होंने दुर्व्यवहार किया, जैसा कि इस कंप्लेंट में दिया गया है और इसलिए उसको पढ़ने के बाद जिस तरह से हम समझ पा रहे हैं। और इन लोगों ने जो क्लासेस को वो डिस्टर्ब कर दिया और वे नारे लगा रहे थे कि लेके रहेंगे आज़ादी। अब इसी को जो है, इसी शब्द को जो है, आज़ादी शब्द को इन्होंने, प्रिंसिपल ने जो है कोट करते हुए इसे बहुत ही अभद्र और देश विरोधी नारा मारा है, माना है। अब ये सोचने वाली बात है कि भाई एक प्रिंसिपल हूं, स्टूडेंट कोई भी हो, समाज का एक बड़ा तबका है जो मुहावरों के बारे में, कविताओं के बारे में बखूबी समझता है और स्लोगन्स के बारे में भी समझता है, तो क्या इस नारे का कुछ अलग ही मतलब निकाला जाए? बहुत से नारे लगते हैं, प्रधानमंत्री जिंदाबाद, मुर्दाबाद, फलाना नेता जिंदाबाद, मुर्दाबाद। तो अगर मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं तो क्या उनके कत्ल की साजिश की जाती है, उनको मारने की कामना की जाती है, हम उनकी हत्या कर रहे हैं? तो सेम ऐसे ही मामला यहाँ भी हमें नजर आ रहा है, जैसा हम लोग इसको देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि भाई छात्रों ने नारा लगाया तो ठीक है, उन्होंने तो अपना इंटेंशन जाहिर कर दिया कि वो चीफ प्रॉक्टर के खिलाफ और प्रिंसिपल के खिलाफ नारा लगा रहे हैं कि भाई आप इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे हैं, तो हमें चाहिए आज़ादी, आज़ादी का मतलब ऐसे प्रिंसिपल से और चीफ प्रॉक्टर से। और वहाँ का बयान क्या है स्टूडेंट का, आभास कृष्णा हैं जो एमकॉम के स्टूडेंट हैं, 2018 में वो छात्र संघ अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी जो छात्र हैं वो केवल यही कह रहे थे कि वो प्रचार और चीफ प्रॉक्टर से आज़ादी चाहते। नोट करिएगा, छात्रों का ये कहना है कि उन्होंने जो प्रोटेस्ट किया, जो आभास कृष्ण यादव जो हैं एमकॉम के स्टूडेंट हैं, इन्होंने कहा है कि वहाँ प्रिंसिपल से और चीफ प्रॉक्टर से आज़ादी की बात की जा रही थी और यही नारे लगाए गए। अब प्रिंसिपल ने इसका गलत इस्तेमाल किया, जैसे स्टूडेंट कह रहे हैं कि वे देश विरोधी नारे लगा रहे थे। छात्र संघ चुनाव रद्द करने के लिए प्रशासन के तर्क पर उन्होंने बड़ा ही सवाल उठाया है कि भाई इस तरह का, अब इन्होंने चूंकि मामला जब उठ गया है तो यहाँ पर जिक्र आ रहा है कि राम मंदिर मुद्दे के कारण पिछले साल चुनाव नहीं हो सका और किसी ने भी इस पर आवाज नहीं उठाई, यानी स्टूडेंट ने भी इस पर एतराज नहीं किया, क्योंकि बड़ा ही ये संवेदनशील मसला था। अब इस साल चूंकि छात्र विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चुनाव रद्द कर दिया गया। भाई इलेक्शन क्यों रद्द कर दिया गया, अगर स्टूडेंट पूछ रहे हैं और डिमांड करेंगे नहीं स्टूडेंट इलेक्शन कराइए, आप कराइए, तो यहाँ पे अब उनके ऊपर ये नारा लगाया गया है। और इन्होंने ये कहा है कि जब पूरे देश में इलेक्शन हो रहे हैं, वोटिंग्स हो रहे हैं और हर जगह क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं, तो ऐसे में छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं हो सकते, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और इसी सवाल के ऊपर ही ये पूरा सेडिशन का चार्जेस है, पूरे ये मुकदमों का सिलसिला शुरू हो गया है। अब इंडियन एक्सप्रेस ने जब कुरेद कुरेद कर पूछना शुरू किया है, तो खैर प्रिंसिपल साहब ने कहा है, प्रिंसिपल साहब जो पांडे जी हैं उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि भाई राष्ट्र विरोधी नारे लगाए गए थे, जो कि वही नारे हैं जो दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में लगाए गए। चलो भाई, मतलब सारा राष्ट्र विरोधियों का गढ़ जो है दिल्ली वाले ही झेलेंगे, ठीक है, इनके हिसाब से JNU जो है वो राष्ट्र विरोधी नारे लगाए गए थे। और जैसा कि मीडिया में अक्सर दिखाया जाता है कि राष्ट्र विरोधी नारे लगाए गए थे, हालांकि बाद में बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेटेड पाए जाते हैं। वे आज़ादी के लिए लड़ेंगे, ऐसा प्रिंसिपल बता रहे हैं कि नारे लगा थे, वे आज़ादी के लिए लड़ेंगे। उन्हें किस तरह की आज़ादी चाहिए, वो चुनाव चाहते थे, हम भी अभी एडमिशन प्रोसेस करा रहे हैं, प्रवेश प्रक्रिया में लगे हुए हैं, चुनाव कैसे हो सकते हैं? मामले को राम मंदिर से जोड़ते हुए पांडे जी ने कहा है कि राम मंदिर से बमुश्किल 500 मीटर के डिस्टेंस पे ये है, जो कि बड़ा ही संवेदनशील मसला है, हमें राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए बाहर देखने की जरूरत है, मतलब इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, यहीं पे देखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि स्पष्ट तौर पे इनकार कर दिया है, उन्होंने छात्रों का जो नाम, क्योंकि उन्होंने बताने से इनकार कर दिया है कि जो छात्र हैं वो कौन से क्लास के हैं, उनके बारे में व्यक्तिगत जानकारी उन्होंने देने से इनकार कर दिया। उन्होंने यही कहा है कि मैं आपको ये बता सकता हूँ कि वो वर्तमान छात्र हैं, लेकिन कुछ छः छात्र हैं, कुल मिलाकर ये 6-6 स्टूडेंट हैं, जबकि कुल पूर्व छात्र भी हैं, कुछ पूर्व छात्र भी हैं, एक स्टूडेंट भी हैं उसमें,
और कुछ बाहरी इस तरह का मतलब बयान ये पांडे जी ने दिया है, मतलब उनका नाम बताने से इनकार किया है। और जिस तरह से इन्होंने कहा है कि भाई राष्ट्र विरोधी नारे लगाए गए हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो भाई क्या राष्ट्र विरोधी नारे हैं? और उत्तर प्रदेश में तो हद हो गई है। फैज अहमद फैज का जो है एक नारा जो है IIT स्टूडेंट के जो है छात्रों ने एक बार लगा दिया, उन्होंने सीधे बोला था नजम गा दी कि भाई हम देखेंगे हम देखेंगे, जब अर्ज़ खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे हम देखेंगे। तो बाकायदा इस नारे को सांप्रदायिक कहा गया, जबकि लिखने वाला जो फैज अहमद फैज हैं, हालांकि अब उस दुनिया में नहीं रहे, वो बड़े ही आला दर्जे के शायर कहलाए हैं, और उनकी शायरी को इतनी नासमझी से लिया गया और ख़ासतौर से इस नारे को भी लिया गया। फैज अहमद फैज को तो यहाँ तक कहा गया कि इन्होंने जो है भूतों का जिक्र किया है, काबा का जिक्र किया है, खुदा का जिक्र किया है, बस नाम रहेगा अल्लाह का। इन्होंने बड़ा ही सांप्रदायिक नारा है, मतलब बड़ा ही सांप्रदायिक उनका जो है पोएट है। तो अब इस तरह से सोच सकते हैं आप कि जब कॉलेज यूनिवर्सिटी में अगर किसी चीज़ पर विचार विमर्श नहीं हो सकता, छात्र स्टूडेंट नारे नहीं लगा सकते सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उस पर देशद्रोह के मामले आ जाएंगे, तो ये किस दुनिया में जी रहे हैं? उससे तो अच्छा है कि ऐसे प्रिंसिपल्स और ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों को प्राइमरी के स्टूडेंट होते हैं उनको पढ़ाने के लिए लगा दिया जाए, क्योंकि जो सिखा सकते हैं वो वही समझ सकते हैं। क्योंकि भाई कॉलेज और यूनिवर्सिटी में तो छात्र टोकाटाकी तो करेंगे, और छात्र राष्ट्र की बातें भी करेंगे, स्टेट की भी बातें करेंगे, और अपने कॉलेज की भी बातें करेंगे। कॉलेज किस लिए होता है, यूनिवर्सिटी किस लिए होता है? ताकि हर तरह के विचारों को वहां पे देखने को, सुनने को, समझने को और उनमें बात करने को मिल जाएगा। लेकिन अगर कॉलेज को प्राइमरी स्कूल बनाना चाहते हैं, मिडिल स्कूल बनाना चाहते हैं, या सरकारी एक छोटे दर्जे का जो है क्लास बनाना चाहते हैं, तो भाई बनाइए। लेकिन इस तरह की चीजें, जिस तरह से स्टूडेंट के ऊपर आरोप लगाया जाए, बड़ा ही संवेदनशील मसला है और उनके भविष्य का ये खिलवाड़ है, ताकि कोई विरोध ना करे। अब जो कोई विरोध करेगा, भैया हमें आपसे आजादी चाहिए, आप जाइए, तो आप कहेंगे भाई नहीं, इन्होंने तो युवा नारा लगाया था। अब जिस नारे का इन्होंने जिक्र किया है कि जो JNU में नारा लगाया गया था, भाई JNU में क्या नारे लगाए गए थे? और खासतौर से कन्हैया उमर खालिद इन तमाम लोगों पर जो नारे लगाए गए थे, उसे मीडिया इन्वेस्टिगेशन में तो उसे काफी ज्यादा पाया गया। तो जाहिर सी बात है, अब इस तरह का मामला, वो भी अयोध्या जैसे शहर में जो कि काफ़ी प्राचीन माना जाता है, फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट था, योगी जी ने बाद में उसे अयोध्या डिस्ट्रिक्ट बना दिया, तो कई किसी ज़माने में ये बड़ा ही मशहूर कॉलेज है। और ऐसे जगहों पे जो छात्रों के ऊपर ये दमनकारी नीति ही तो इसे कहेंगे ना, कि आप स्टूडेंट के ऊपर दमन कर रहे हैं, आप इलेक्शन नहीं करा रहे। क्यों नहीं करा रहे भाई? ठीक है, एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, तो छात्रों से बात भी तो आप कर सकते हैं, रद्द क्यों कर दिया आपने भाई? जब दो लोगों के बीच में बाकायदा डायलॉग नहीं हो पाएंगे तो ऐसे ही होते हैं। और तो आप तो जानते ही हैं कि भाई प्रिंसिपल होना और चीफ डॉक्टर होना और अच्छे अच्छे अहदों पर होना भी एक बड़ी घमंड वाली बात होती है, तो छात्रों के इतने औकात कहाँ जो इस लोगों से बात है। खैर, इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वीडियो कैसा लगा, और वीडियो के बारे में जो हमने आपको ये जानकारी दी है एजुकेशनल, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी नई खबर के साथ। जय हिंद।